गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी ओके सो टुडे वी आर हेयर टू सॉल्व द एनालिसिस पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर नाइन डिफरेंशियल इक्वेशंस थोड़ा एक स्पीड स्लो डाउन कर दो पेन को आवाज ही नहीं आ रही ठीक है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही सवाल आएगा ठीक है उसको फॉर्म करने का उसको चेक करने का सवाल नहीं आएगा लाइक जो सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज थर्ड तो ऑमिटी हो गई थी बच्ची सेकंड सेकंड में करते चेक करते थे तो चेक करने का भी मोस्ट प्रोबेबली तो सवाल नहीं आएगा सॉल्व करने का आएगा यानी आखिरी के तीन एक्सरसाइजेस में से सवाल आएगा मोस्ट प्रोबेबली चलो भाई चेक करने का आ भी जाता है तो अगर अपने लास्ट की तीन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए तो फिर वो तो सेकेंड एक्सरसाइज तो वैसे भी सॉल्व हो ही जानी है इसलिए इस टेस्ट पेपर में सेकेंड एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं डाला गया ठीक है हाँ पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज से है क्योंकि वो डिग्री और ऑर्डर तो कभी भी चेक करा सकता है आधे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है उसके बाद जो चार क्वेश्चन हैं वो आखिरी तीन एक्सरसाइज एंड इंक्लूडिंग मिसलेनियस भी है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजल डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन डिग्री डिफाइन भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है ऑर्डर डिफाइन होगा ही होगा हमेशा डिफरेंशियल डिफ्रेंशियल की बताओ राइट right? चलो लेट स्टार्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ तो इसमें सबसे पहले क्या पता करते हैं ऑर्डर या डिग्री ऑर्डर तो इसका ऑर्डर क्या निकाला ऑर्डर बोलो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहां पे? टू तो ऑर्डर इज टू एंड डिग्री डिग्री क्या हो जाएगी इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर यानी कि वन हालांकि यहां पे हाईएस्ट पावर फोर है लेकिन वो फोर हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं इसलिए फोर नहीं होगी डिग्री वन ही होगी तो आंसर इस ऑर्डर इज टू डिग्री मैच करो कर लिया तीन नंबर का एक एक नंबर का क्वेश्चन हो गया ऑर्डर बताना है डिग्री बताना है सही बताना है तो ठीक है गलत बताया तो आधे नंबर का ऑर्डर आधे नंबर का डिग्री एक चीज सही और एक चीज गलत है तो जितने सही है उतना ही मार्क्स देना है राइट ऑर्डर टू डिग्री वन चलो नेक्स्ट सेकेंड पे चले इस क्वेश्चन पे आओ सो so, क्या है इसमें हाइएस्ट ऑर्डर बताओ वन ऑर्डर वन है देख पा रहे हो डीवाई बाई डी और नीचे भी डीवाई बाईड डीवाई बाईड दोनों ऑर्डर वन के कीजिए तो हाईस्ट ऑर्डर वन हो गया नॉट लेटेस्ट टॉक अबाउट डिग्री इसकी डिग्री

negative numbers are not included. So degree not defined, not defined. Very much clear. Koi query, koi doubt, confusion ho to please ask. Because this is the last chance. Uske baad fir baad mein revision mein hi number aayega. Okay. Koi bhi query, koi doubt ho to puchho. Sakshi, no problem. Okay. Third and the last one. Third एंड the last one. तो इसमें बताओ order. तो इसमें dash से पता करो जितने dash उतना order. तो वाई डबल डैश लिखा हुआ है तो ऑर्डर हो जाएगा टू और जो वाई डबल डैश की पावर है वो हो जाएगी मेरी डिग्री यानी डिग्री हो जाएगी मेरी वन करेक्ट ठीक है हालांकि यहाँ पे पावर हाईएस्ट थ्री है बट वो तो वाई डैश की है ना इसलिए डिग्री थ्री नहीं होगी डिग्री टू ही होगी ओके okay? और साइन वाई पे लग रहा है याद रहे डी वाई बाई डी एक्स पे नहीं लग रहा है अगर डी वाई बाई डी एक्स पे साइन लगता है तो अगेन डिग्री क्या बन जाती नॉट डिफाइंड पर ये इस पे लग रहा है तो डिग्री डिफाइंड है और डिग्री है वन तो ऑर्डर टू डिग्री वन इस द आंसर चेक हो गया चले सेकंड क्वेश्चन पे सॉल्यूशंस निकालने पे फोकस करें चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट किस किस ने अटेम्प्ट किया है फर्स्ट पार्ट किस किस ने अटेम्प्ट किया है नहीं किया सेकंड सेकंड पार्ट किया आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ताजा ताजा करिए तो वो ही जहन में चल रही हाँ सेकेंड किया सब नहीं फर्स्ट किसी ने नहीं, नहीं किया चलो तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपने को देखो आप साफ साफ देख पा रहे हो साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स फंक्शन ऑफ वाई बनाना पड़ेगा और पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी राइट सो so, यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स आइसोलेट अगर मैं करता हूं डी वाई बाई डी एक्स तो बताओ डीएक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव होके उधर जाएगा तो से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन चेक करो तो ये जब नेगेटिव होगा तो फ्लिप हो जाएगा बोलो बोलो साक्षी तो फ्लिप हो जाएगा तो ये, ये वाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई ऑन एक्स डिवाइडेड बाय डी से जो एक्स, okay? तो, कट गया तो साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स ठीक है तो डी डी बाई क्लियरली कट क्लियर कट इट इजन वाई बाई एक्स आर नॉट इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स ठीक है

फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट जिसमें एल एच एस पार्ट पे हम क्या लिखते हैं हमेशा कौन सा वाला एक्सप्रेशन ये वाला या ये वाला ये वाला वी प्लस एक्स डी वी ऑन डीएक्स और इधर आर एच एस में ये वाला एक्सप्रेशन लिखूंगा तो वी माइनस साइन स्क्वायर वी राइट वी से वी खत्म ठीक है

बोलो साक्षी कौस एक्सपायर वी का इंटीग्रल आप बोलो लक्की कौर वी का इंटीग्रल लॉग मॉड्यूलस क्या बताए लॉग मॉड्यूलस कॉट आज तक ये तो किसी का इंटीग्रल था ही नहीं लॉग मॉडुल था क्या हम बेटा आखिरी क्लास है कैलकुलस की और पहली क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन चैप्टर की पहली स... क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ हाँ हम्म आप बोलो माइनस माइनस वी सब अपने अपने शीट में से आधा आधा नंबर माइनस करो स्क्वायर वी का इंटीग्रल है। करो, उपर उपर आप करो ऊपर ऊपर लिखो माइनस आप इस एनालिसिस में जितनी सिली मिस्टेक्स जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दोगे उतने मार्क्स माइनस करूंगा करो लिखो ऊपर ऊपर माइनस आप माइनस लॉग मॉड्यूलस एक्स मेरा एग्जाम है आप लोगों का एग्जाम है ये का इंटीग्रल याद नहीं है प्लस सी और फिर कह रहे हो घर जाके हमने किए थे ऑप्शनल सवाल अगर घर जाके ऑप्शनल सवाल किए होते तो ये याद नहीं होता झूठ सरासर माइनस कॉटवी माइनस लॉक मॉड्यूलस एक्स प्लस सी सो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन अब इसमें पर्टिकुलर पूछा है कि जनरल पूछा है पर्टिकुलर पूछा है व्हाट वैल्यूज गिवन एक्स कॉमा इक्वल टू वन कॉमा पाई फोर करो पुट तो माइनस अच्छा वी को सब्सिट्यूट नहीं किया नेक्स्ट स्टेप में इस इस वाली स्टेप में कर देते हैं माइनस कॉट वाई बाय एक्स वी की वैल्यू अगेन वाई एक्स इधर ही कर दो माइनस कॉट वाई बाय एक्स इक्वल टू माइनस लॉक मॉड्यूलस एक्स प्लस सी ये है मेरा नीचे वाला है मेरा जनरल सोल्यूशन ऊपर वाला नहीं है तो वाई एक्स में इधर डालो वाई की वैल्यू क्या है फाइव बाय फोर और एक्स की वैल्यू है वन तो माइनस क्वॉट फाइव बाय फोर माइनस क्वॉट पाइवर इक्वल टू माइनस लॉक एक्स एक्स क्या है वन प्लस सी लॉक वन क्या होता है जीरो तो हो गया कट गया और क्वाट पाइव बाय फोर क्या होता है वन तो सी की वैल्यू क्या बन गई माइनस वन अब सी की वैल्यू माइनस वन अगेन यहाँ पे पुट अप करेंगे सी की जगह सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो बनेगा ये भी माइनस ये भी माइनस और वो भी माइनस तो so, तीनों के माइनस उड़ा दूं फाइनली आंसर ऊपर लिख देता हूँ कॉट वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉक मॉड्युल्स और माइनस सी माइनस वन का क्या बन जाएगा प्लस वन सबके माइनस साइन को प्लस प्लस बना दिया इसका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था चले सो दिस विल बी द लास्ट दिस विल बी द फाइनल आंसर चलें सेकेंड पार्ट में जो आपने अटेम्प्ट किया था वो देख टेन का डेरिवेटिव क्या होता है तो टेन का सेक्स स्क्वायर एक्स से है तो कॉट का क्या होगा लेकिन सी में तो नेगेटिव होगा अब बताओ सेक का क्या होता है डेरिवेटिव तो सेक का ये है तो कॉसेक का क्या होगा जो क्लास जो चीजें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करनी है वो तो हमारे फाइनल क्लास में डिस्कस हो रही है बच्चों की तरह एबीसीडी है A, B, C, D, A, तो कैलकुलस की पूरा पैराग्राफ बनाना सीख लिया और अभी एबीसीडी पूछ रहे हैं पार्ट uh, देखो जो हमने ऑलरेडी किया है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ये है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन साफ तौर पे दिखाई दे रही है ऑफ टाइप वन कंपेयर करो ऑफ दिस टू द दिसम डी वाई बायस प्लस क्या होता है पी वाई इक्वल टू क्यू सो ऑन कंपेयरिंग यू कैन क्लियरली सी दैट कि पी की वैल्यू हो जाती है वाई को आइसोलेट कर दूं वहां से वाई को हटा दूं उसके यहां से तो टू टेन एक्स और क्यू क्या हो जाता है साइन एक्स पी हो गया क्यू हो गया नेक्स्ट स्टेप क्या होता है टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है बोलो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इ टू द पावर इंटीग्रल पी क्या था टू टेन एक्स टू को बाहर निकालो इंटीग्रल टेन एक्स डीएक्स हो गया राइट अब बताओ साक्षी इंटीग्रल टेन एक्स क्या होता है टू को तो बाहर निकाल दिया दियार एक्स इंटीग्रल होता है उसका फिर डेरिवेटिव क्या होता है बेटा क्लास क्लास ही होती है और वीडियो वीडियो ही होता है देख लो रिजल्ट डिसाइड कर लो लॉग मॉड्यूल सेक एक्स सही है क्या जवाब दो टू को अंदर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इट विल बी लाइक ई टू द पावर ई टू द पावर लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो ई e से लॉग कट गया और सेक्सर एक्स मेरा फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अब आगे करने के लिए तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गिवन इक्वेशन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराते हैं जो एग्जाम में आप अगर मान लो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या चीज फॉलो करोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइंग ये पूरा एल्गोरिथम था याद है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग

डन, डनो so, तीनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सैकस्वार एक्स, सैकस्वार एक्स, सैकस्वार एक्स. ऐसा करते ही जो पूरा एल एच एस पार्ट है वो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के होल डेरिवेटिव की शक्ल ले चुका है चेक करो। और आरएचएस में नो चेंज जो है साइन एक्स है,

तो जब मैं कंपाइल करूंगा तो सेक एक्स इंटू तो चेक करो ये वाई इंटू सेक्स का होल डेरिवेटिव बन गया कि नहीं बन गया अपने आप बनेगा अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला है तो तो ये अपन ने सारा किस में सीखा था कल उसमें एल्गोरिथम में तो अब डी बाई डी एक्स को आप यहां से उधर ले जाओ तो इंटीग्रल बन जाएगा या फिर यू का इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें तो यहाँ तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा और उधर इंटीग्रल हो जाएगा समझ गए तो यहाँ तो ये क्या बन जाएगा वाई इंटू सेक्स्वायर एक्स आजाद हो जाएगा डेरिवेटिव डेरीवेटिव पोर्शन से और इधर ये डेरिवेटिव का इधर आएगा तो उल्टा हो जाता है प्रोसेस क्या हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स इंटूक्ट अब आपने ये बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सीधे ही ये स्टेप लिखी है या इस प्रोसेस को फॉलो करके फिर इधर आया ये जनरल सॉल्यूशन लिखने का डायरेक्ट तरीका था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग का होल डेरिवेटिव होल इंटीग्रल तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखी है या वो प्रोसेस फॉलो किया डारेक्ट. डारेक्ट है डायरेक्ट हम्म डायरेक्ट लिखिए नहीं लिखनी है क्लियर कट मेंशन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉलो करना है सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके दिखाऊं दैट इज नॉट पॉसिबल एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन में ठीक है ना अगेन ये क्लास में आते तो याद रहता अब आई होगी तो उसको याद रहता आप लोगों ने वीडियो से कवर किया है थोड़ा ना एक एक बात ध्यान से सुनी जाती है अभी मैं ये बात तुमको बता रहा हूँ इसका भी कोई वीडियो देखेगा तीसरा पर्सन सुन मेरी नाम को सुनेगा कट करेगा वो आगे सर पता नहीं क्या बता रहा है इसलिए क्लास में आना शुरू कर दो अब ज्योमेट्रिक पोर्शन है इसके आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा वीडियो से चलो तो इसको सॉल्व करते हैं तो y इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज और यहां पे अब इसको सॉल्व कर दो साइन एक्स और सेक एक्स का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय टेन एक्स और एक कॉस एक्स और नीचे रह गया सेक एक्स. एक्स का इंटीग्रल ठीक है बताओ टेन एक्स एक्स का इंटीग्रल क्या होगा बोलो ऑनली से और इधर क्या बन गया मेरे पास वाई इंटू सेक्सर एक्स सेक्सर एक्स से डिवाइड uh, करवा दू मैं तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा कट गया तो एक सेक्स नीचे में रह गया तो ऊपर आके वो क्या बन गया कॉस एक्स प्लस सी इंटू सेक्सर एक्स पूरा ही नीचे चला गया तो ऊपर आके वो क्या बन गया Cos square X. ये मेरा जनरल सोल्यूशन तो आ गया अब इसमें भी पर्टिकुलर पूछा है क्या इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा है मोस्ट प्रोबेबली आपसे पर्टिकुलर ही पूछा जाएगा ठीक है तो पुट करो व्हाट आर द वैल्यूज गिवन टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन पाई बाय 3 कॉमा 0 पुटिंग x कॉमा y इक्वल टू पाई बाय 3 कॉमा 0 इन द जनरल सॉल्यूशन वी गेट तो y की वैल्यू तो 0 रखनी है 0 इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या रखनी है पाई बाय 3 प्लस c अगेन cos स्क्वायर पाई बाय 3 सो so, 0 इक्वल टू व्हाट इज cos पाई बाय 3 1/2 प्लस सी इन टू को स्क्वायर में वन बाय फोर तो सी बाय फोर हो गया एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया ये टू सी है तो टू सी प्लस वन बाय फोर सही है क्या चलो या फिर उसको एक काम करो उधर भेज दो इस वन बाय टू को इधर भेज दो तो सी बाय फोर की वैल्यू क्या आ गई माइनस का वन बाय टू ठीक है टू से ये टू से ये टू टाइम्स कट गया तो टू उधर जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू चेक करो सी की वैल्यू माइनस टू सी की वैल्यू माइनस टू अगेन इधर पुटअप करो सो द फाइनल आंसर विल बी ऊपर लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर इस जगह पे वाई इक्वल टू कॉस एक्स सी की वैल्यू माइनस टू इधर पुट करेंगे तो माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स देखो ऊपर में दिस इज योर फाइनल आंसर मैच करो दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई इक्वल ठीक है ये वाला पोर्शन जिसने नहीं किया उसका आधा नंबर काटो दिस पोर्शन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला पोर्शन जिसने नहीं किया और सीधे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इधर आ गए उसके आधा नंबर काट दो सुन लिया क्लियर इंस्ट्रक्शंस और जिसने किया है उसको पूरे दे दो चलें अभी आगे चलें थर्ड पे कर दू डिलीट कोई डाउट नहीं है थर्ड इस अब थर्ड में ही और शायद हमारे एनसीआर टी का भी है, ऐसा भी लग रहा है मुझे एनसीआर टी का रखा रखा क्वेश्चन है क्या तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्स एक्स प्लस वन को इधर ले जाऊं मैं तो क्या हो जाएगा टू एक्सक्वायर प्लस एक्स डिडेड बाय आगे बोलो एक्स क्यूब प्लस एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस किया था किसी ने अटेम्प्ट ठीक है बताओ क्या करेंगे हम इसमें आगे फिर साक्षी किया था ये वाला अटैम्प नीचे वाला बताओ क्या करेंगे वो अप्रोच कहाँ गए आप लोगों की जो टेंथ क्लास में हुआ करती थी कि सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हुए क्या है क्या जो मैंने जिसमें टेस्ट पेपर में जो हम ऑप्शन ट्राई करके घर पे गए हैं तो जो बचे हुए क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा क्यूशंस नहीं है क्या बेटा तो यू कैन से वी कैन से दैट कि क्लास टेंथ वाली अप्रोच से भी अब हमारी अप्रोच थोड़ी सी वो स्तर भी हमारा नीचे हो गया ट्वेल्थ में तो ज्यादा वो अप्रोच होनी चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए बोलो क्या करेंगे इसमें आगे ठीक है वो सब हो जाएगा इस एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो तो डीएक्स उधर चला जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा ये एक्सप्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे पार्शल फ्रैक्शन से पार्शल फ्रैक्शन में नीचे वाला फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए आपको अब नीचे वाला फैक्ट्राइज फॉर्म में चाहिए तो चलो डीएस को तो आप कह रहे हो उधर ले जाओ ले जाएंगे हम डीवाई बाई डीएस को इधर भी छोड़ देंगे तो भी कोई बड़ी बात चलो ले जाओ डी वाईस एक्स डिड बायू हाँ तो एक्स क्यू प्लस एक्वायर प्लस एक्स प्लस वन में हम फैक्टराइज कैसे करेंगे आप ध्यान से देखो एक्स क्यू प्लस में से अगर एक्स कॉमन ले लेंस स्क्वायर कॉमन ले लें ले, तो वही एक्स प्लस वन बन जाता है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से तो ले लो आप एक्सक्वायर कॉमन तो एक्स क्यूब में से X X, X सेन और आगे एक्सप्ल वन है तो प्लस वन को कॉमन ले लू तो एक्स प्लस वन हो गया फैक्टराइज और ये पूरा डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो dy की वैल्यू हो जाती है टू एक्सक्वायर प्लस एक्स गया कॉमन और दूसरा फैक्टर क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस वन तो अब डिनोमिनेटर पार्ट आपका फैक्टराइज हो गया

इसको किस किस किससे एज्यूम करेंगे बी बॉट पांच फॉर्म्स है हमारे पास हुँ? पांच में से कौन सी फॉर्म से मैच कर फोर्थ वाली क्या थी फोर्थ वाली बताओ फोर्थ वाली थी बोल सही रहे हो लेकिन सीक्वेंस गलत बता रहे हो फिफ्थ वाली से मैच कर रहा है एक है एक तो के तो के ऊपर ए आ जाएगा और दूसरा जो है क्वाड्रेटिक है बट क्वाड्रेटिक भी ऐसा है जिसको फैक्टराइज़ नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इससे कंपेयर करेंगे करो तो डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा एलसीएम लेने के बाद टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन ठीक है बोलो बोलोन लो एक्स की एंड एबीसी निकालो तो पहले एक्स की वैल्यू माइनस वन ले लो लेट एक्स बी माइनस वन तो एक्स की वैल्यू माइनस वन लेते ही का स्क्वायर क्या होता है है पार्ट में इधर आओ ये X है, तो ये X minus, ये तो वाला एक्सप्रेशन पूरा कट गया ए इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन लेंगे माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू टू ए हो गया ये टू ए और उधर तो क्या बच गया जीरो तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहां से हाफ ठीक है सेकेंड अजम्पशन लेते हैं अब कुछ बचा तो है नहीं जिससे पूरा एक्सप्रेशन खत्म हो जाए तो कुछ भी ले लो आसपास की वैल्यू जैसे जीरो ले लो और फिर वन ले लो लेट एक्स भी जीरो ले लो और फिर वन ले लो लेट एक्स भी वन ठीक है जीरो और वन लेते हैं तो जब जीरो लेंगे तो ये जीरो ये जीरो पूरा जीरो बन जाएगा एलएचएस एच पार्ट और इधर जीरो लेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन यानी ए और वहां जीरो लेंगे तो ये वन हो गया और ये कट गया केवल सी बचा क्या ए प्लस सी तो यहाँ से जीरो टू ए की वैल्यू पुट अप कर दी पीछे से हाफ प्लस सी तो सी की वैल्यू आ चुकी है माइनस हाफ दो वैल्यूज आ गई अब इधर आओ तीसरा वन डालूंगा तो टू प्लस वन थ्री हो गया यहाँ पे वन इधर डालेंगे तो टू ए हो गया वन इधर भी डालेंगे तो ये क्या बन जाता है वन इधर भी डालो पहले तो वन प्लस वन टू और टू इंटू बी प्लस सी यानी टू बी प्लस टू सी करेक्ट ए और सी की वैल्यू पीछे से पुटअप करो तो टू इंटू हाफ बी तो निकालना है और सी की वैल्यू टू इंटू माइनस हाफ टू से टू टू से टू और वन माइनस वन कट गया वन माइनस वन पूरा कट गया तो बी की वैल्यू क्या आ जाती है यहां से थ्री बाय टू ठीक है आ गई तीनों वैल्यूस ओके सो इसको सॉल्व करेंगे अब तो ये इंटीग्रल डी क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन को मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करता हूं तो ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन तो इंटीग्रल ऑफ ए ए की वैल्यू क्या निकाली आपने हाफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डी फिर प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली आपने थ्री बाय टू तो थ्री बाय इसको भी अलग अलग कर दो बी वाली टर्म अलग कर दो और सी वाली टर्म अलग कर दो ठीक है तो बी वाली टर्म अलग करेंगे तो थ्री बाय टू हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक इंटीग्रल ये बनेगा और तीसरा इंटीग्रल बनेगा हमारा सी सी की वैल्यू क्या है माइनस वन डी एक्स तीन इंटीग्रल बनेंगे एक ए से एक डीएक्स को, को, तो तो को जरा बाहर निकालो थ्री बाय टू को बाहर निकालोगे तो एक्सक्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स तो टू ऊपर दोगे तो टू नीचे भी देना पड़ेगा वन बाय टू और ये हो जाएगा इंटीग्रल टू एक्स डिवाइडेड बाय तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या इंटीग्रल हो जाएगा लॉक मॉडुलस एक्सक्वायर प्लस वन ठीक है और इसमें माइनस आपको बाहर निकालो और एक्सक्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू वाई थ्री बाय टू इंटू वन बाय टू स्टेप कर दूं तो ये हो जाता है थ्री बाय फोर सो जनरल सॉल्यूशन तो आ गया मा वन जीरो वाई के वैल्यू वन यहां पुटअप कर देते हैं वन क्वल टू हाफ लॉग एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वन यानी लॉग वन प्लस log एक्स की वैल्यू अगेन जीरो तो ये अगेन लॉग वन ठीक है ये भी लॉग वन ये भी लॉग वन जीरो हो जाएगा माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है जीरो तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है ये अगेन ये भी जीरो तो सारी टर्म जीरो बन गई बोलो लॉग वन से ये भी जीरो बन गया लॉग वन से ये भी जीरो बन गया और टेन में जी ये सी तो की वैल्यू क्या आ गई से बोलो, सी की वैल्यू वन को जस्ट यहाँ वैल्यू को प्लस वन सेन एंड माइनस हाफ अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन वॉमन ले सकते हो लेकिन उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि इधर से थ्री बाय फोर है इधर से वन बाय फोर है तो आप वन बाय फोर को कॉमन ले लेते हैं अगर अगर वन बाय फोर को कॉमन ले लेते हैं देखो ऊपर लिख देता हूँ वाली फॉर्म भी इन केस किसी ने लिखी हो तो अगर यहाँ से आप वन बाय फोर को कॉमन ले लो तो वाई इक्वल टू वन बाय फोर अब वन बाय टू में से वन बाय फोर कॉमन लिया तो टू बचा टू अंदर जाएगा तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा X, X 1 का, square, फिर मल्टीप्लाइड बाय इधर थ्री बाय फोर में से वन बाय फोर कॉमन बन तो थ्री बचा थ्री अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब ठीक है ना एंड देन फिर प्लस माइनस वन बाय टू टेन इनवर्स प्लस वन ज्यादा से ज्यादा आप ये फॉर्मेट ले लो अगर आप ब्लॉक को प्रॉपर्टी से सॉल्व करो तो बाकी वो एक्सप्रेशन ना लिखे ये भी लिख दोगे तो भी यू विल गेट द फुल मार्क्स ठीक है क्या या डाउट्स एनी डाउट्स वैल्यूज गलत है और उसके बाद किया भी नहीं एक नंबर दे दो चलो कर दो डिलीट सेकंड वाला तो आप कह रहे हो अटेम्प्ट ही नहीं किया साक्षी आपने किया था सेकंड वाला अटेम्प्ट ओके okay. तो सेकंड वाला तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था शायद इजी था बोलो कैसे करेंगे सेकेंड वाला तो बुक का नहीं दिख रहा है इसके कह रहा चलो बताओ कैसे करेंगे सेकेंड वाला कॉमन yes. से ले लू तो सेम चीज बन जाती है तो ये हो जाता है रूट ऑफ वन प्लस एक्सक्वायर चलो वन प्लस एक्सक्वायर में से वन कॉमन ले लो वन कॉमन ले लिया तो क्या बचा वन प्लस एक्सक्वायर अंदर और इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो अगर अंदर क्या बच गया वन प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है जो भी आगे एक्स वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो तो यहां से ये फैक्टराइज हो गया रूट के अंदर वाली क्वांटिटी फैक्टराइज हो गई कैसे हुई वन प्लस एक्स स्क्वायर एक फैक्टर दूसरा फैक्टर क्या बना वन प्लस वाई स्क्वायर एक प्लस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जाओ इन इन दोनों की शीट्स ये वाला तो अटेम्प्ट नहीं था ना इन दोनों ने ठीक है तो इन दोनों की शीट तो यहां रख लो और आप दोनों तो एक दूसरे की शीट ले लो किसने किया आपने किया चेक कर लो ये वाला और उसके बाद फिर एक दूसरे की शीट ले लेना हाँ तो व्हाट वी विल डू इस एक्सप्रेशन को उधर भेज दू मैं तो एक्स वाई डी बाय डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ये एक्सप्रेशन उधर जाके माइनस में चला जाएगा और माइनस में जाने के बाद भी इसको दो रूट में तोड़ दो माइनस तो लगेगा ही लगेगा रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर तो अलग कर दो और मल्टीप्लाइड वाई स्क्वायर को अलग कर दो कर सकते हैं देखो इधर पहले हम इसमें से किसी को अलग नहीं कर सकते थे कि रूट वन अलग कर दिया रूट एक्सक्वायर अलग कर दिया रूट वाई स्क्वायर अलग, अलग कर दिया या इसको अलग कर दिया लेकिन फैक्ट्राइज होने के बाद तो अलग कर सकते हैं ना फैक्ट्राइज होने के बाद अलग कर सकते हैं अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं ना बोलो यहां से हो जाएंगे वेरिएबल सेपरेट ये वाई ही छोड़ दो और इसके नीचे क्या ले आओ लेन प्लस और फिर एक्स बाई डी ले जाओ तो वेरिएबल सेपरेट होते ही हो गया ये उस फॉर्म में जो हमको सही लगता है तो ये हो जाता है वाई के नीचे रूट वन प्लस डी वाई इधर और उधर क्या हो जाता है माइनस भी उधर है हमारे पास और एक्स नीचे आ गया तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स राइट क्या रूट रूट वन प्लस इंटीग्रेटिंग नहीं आएगी क्योंकि वन प्लस का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है जा सकता है कैसे इधर हाफ और इधर टू तो वन प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो नीचे रूट टी हो जाएगा रूट टी का

रूट ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स उसको कैसे इंटीग्रेट करना अब टी तो दोनों को नहीं ले सकते वो उसको यू ले लेंगे किसको ऊपर वाले को क्या ले लू यू तो विथआउट रूट या विथ रूट विथ रूट तो विथ रूट अगर मैं इसको यू ले लेता हूं यानी कि रूट रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने ले लिया यू तो रूट उधर चला गया तो रूट उधर चला गया तो ये यू स्क्वायर हो गया ठीक है डिफरेंशिएटिंग बोथ है टू खत्म अब एक्स डी एक्स दिख रहा है क्या ऊपर कहीं नहीं दिख रहा कोई बात नहीं डीएक्स की वैल्यू तो टोटअप तो कर सकता हूँ डीएक्स की वैल्यू क्या बनेगी यू बाय एक्स डी यू अब आप नीचे वाले x को भी u की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ध्यान से देखो इस x की वैल्यू आप ऊपर से u की आपको u की फॉर्म में चाहिए ना सारा सब कुछ तो यहाँ से dx की वैल्यू u की फॉर्म में क्या बनेगी u ऊपर तो यूं ही रहेगा इधर आओ 1 x² अगर u² है थोड़ा ट्रांसपेरेंट 1 x² अगर u² है तो x² की वैल्यू क्या बनती है यहां से u² 1 u² 1 एक्स की वैल्यू क्या बनती है यहां से स्क्वायर घटेगा तो रूट ऑफ यू माइनस वन लिख सकता अभी मैंने निकाल के बताई थी क्या निकली थी रूट ऑफ रूट ऑफ यू स्क्स वन मल्टीप्लाइड बाई डीएक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने यू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ U square minus one into what? Dx. तो इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो माइनस यू इंटू यू इस मल्टीप्लाई क्या बन गया आगे बताओ ऊपर भी यू स्क्वायर है नीचे यू स्क्वायर माइनस वन आगे बोलो और dx नहीं है सॉरी डी यू बन चुका है वो dx की वैल्यू डाल दी ना तो डी यू बन चुका है क्यों कारण नीचे वाले डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है तो फिर क्यों करेंगे बोलो साक्षी इसके बाद क्या करेंगे क्या ऐसे कर सकते हैं हम डी यू यू स्क्वायर माइनस वन अलग कर बचे हुए यू, यू स्क्वायर का क्या किया आपने अच्छा ऐसा कर सकते हम्म अगर ऐसे ही कर सकते हैं तो फिर इतना इंटीग्रल इतना पोर्शन इतना मुश्किल होता क्या इसमें से हम ऐसे कर सकते हैं कि यू स्क्वायर डी तो अलग कर दो और मल्टीप्लाई डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस वन अलग कर दो आप तो सिंपल सी बहुत ये बताओ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ दो एक जनरल मैथ्स का सवाल पूछ रहा हूँ थर्ड क्लास का इधर देखो अगर मेरे पास टू बाय थ्री सेवन है तो मैं ऐसा कर दू सेवन इंटू टू तो अलग कर दू मल्टीप्लायड बाय सेवन बाय थ्री अलग कर दू कैन आई डू लाइक दिस तो आपने जो किया कुछ ऐसा ही है इसको इससे मल्टीप्लाई अलग कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई अलग कर दिया बीच में मल्टीप्लाई और लगा दिया तो इज दिस इक्वल टू दिस तो अगर ये इक्वल नहीं होता एक जनरल था, क्लास थर्ड के प्रॉब्लम में भी इक्वल नहीं होता तो ट्वेल्थ में तो कैसे इक्वल होगा भाई जनरल मैथ्स को क्यों छोड़ रहे हो आप नो no डाउट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कैलकुलस कर रहे हैं बट जनरल मैथ्स तो वैसी ही रहेगी ना जैसी हुई थी जैसी सीखी थी बचपन में multiply है बेटा ये इससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई अलग अलग हो सकता है क्या हाँ बोलो क्या नाम है सब, आ, सौम्या आधा नंबर माइनस करो दोनों अपना अपना कैसे इसको ऐसे खोल दू ओके तो ये हो जाता है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू माइनस वन इंटू यू प्लस वन आगे बाय पार्ट्स किस एंगल से आपको बाय पार्ट्स लगता हुआ नजर आ रहा है इस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन सॉल्व करना तो दूर की बात है लगेगा क्या वो भी नहीं बता पा रहे आप अभी अब आधा नंबर काट दो चुपचाप दोनों अपना अपना काटो जल्दी काटो तो माइनस वन हो चुका है आपका कर दिया तो नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट वो भी सॉल्व करके चलें एनालिसिस में सर पूछेंगे ये ऊपर और नीचे सेम डिग्री का पैटर्न है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर बनाइए स्क्वायर से यू स्क्वायर माइनस वन को डिवाइड करके दो फंक्शंस कहा हैं प्रोडक्ट के लिए बाय पार्ट्स कब लगाते हैं जब हमारे पास यू डॉट वी ओ और दूसरी चीज अगर आप इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर नहीं भी बनाना चाहते हो वैसे तो कर तो हम वही रहे इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना रहे हैं लेकिन इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने की भी स्मार्ट टेक्निक्स है जरूरी नहीं इसको डिवाइड करने बैठे ऊपर माइनस वन है नीचे माइनस वन है तो ऊपर माइनस वन प्लस वन करो ना माइनस वन प्लस वन ये अभी भी हम वही काम कर रहे हैं क्या इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना रहे हैं लेकिन ये स्मार्ट टेक्निक से प्रॉपर बना रहे हैं अब यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वन क्या बन जाएगा वन प्लस आगे वाला क्या बन जाएगा वन डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस इतनी सी बात थी शायद पहली एक्सरसाइज का सवाल है मतलब इतना पार्ट को सॉल्व करना तो करो माइनस ब्रैकेट लगा दो एक बार के लिए वन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू यू यू और वन डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस वन का क्या बनेगा अब है फोर्थ एक्सरसाइज का पार्ट अब बता दो वन डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस वन का क्या करेंगे हम्म वन बाय टू ए क्या है ए यहाँ पे तो वन बाय टू हो गया लॉग आगे एक्स माइनस वन यानी यू माइनस वन नीचे टू प्लस वन क्लोज क्लोज इट ब्रैकेट ठीक है यू को डी सब्सटीट्यूट कर दो एक बार के लिए और माइनस वन अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस यू माइनस हाफ नहीं यू को यू की वैल्यू क्या है वो यू की वैल्यू है वो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट के साथ यू लिया था हमने तो रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ब्लॉक मॉड्यूलस यू की वैल्यू अगेन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस वन डिवाइडेड बाय यू की वैल्यू अगेन रूट ऑफ वन प्लस एक्सक्वायर प्लस वन मॉड्यूलस क्लोज और आर पार्ट ऑलरेडी काफी देर से सोल्व होकर बैठा है वन प्लस r स्क्वायर सो ये जनरल सॉल्यूशन मिल चुका है इसको इसके आगे और प्लस सी इसके आगे सॉल्व नहीं करना है अब पर्टिकुलर पूछा है कि इसमें ये चेक करो पहले दिस इज द जनरल फॉर्म ठीक है इसमें कोई पूछा तो है नहीं नहीं पूछा है नीचे वाला है ठीक है सो दिस इज योर फाइनल आंसर इसको इसके आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते आप कर सकते होगे ये रूट केवल इतना सा है अगर पूरे पे होता तो वन माइनस वन वन प्लस वन सोल्व करते आगे लेकिन ये रूट केवल इतना सा है तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे दिस इज फाइनल आंसर पूछो कोई डाउट हो तो कोई क्वेरी हो तो तो पहले आप इसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे यहां से गिवन क्वेश्चन से यहां तक कैसे लेके आएंगे वो एक चुनौती है और यहां तक लाने के बाद चलो एलएचएस पार्ट तो आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बट ये आरएचएस पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे ये भी एक चुनौती है बुक लाए गए कर दू डीट ये लिया इसने हाफ लॉक के माइनस वन के प्लस टू के प्लस वन लिया है और यहां पे माइनस साइन अच्छा इधर दे दिया ये माइनस साइन इधर दे दिया ठीक है बाकी सेम है आंसर इस ये तो उसने इसका रीजन लिखा है बेटा आंसर थोड़ी नहीं इस पार्ट का इंटीग्रल कैसे करते हैं इसका उसने रीजन लिखा एक, एक जगह डी की फॉर्म में ठीक है आंसर तो उसने इसका आगे लिखा ही नहीं ना दो नंबर दो कर दूंगी रेस फोर्थ पे चले अभी नंबर तो फोर्थ ये बैंक प्रिंसिपल वाले बड़े सरल से क्वेश्चन है वो सारे किए थे हमने बैंक प्रिंसिपल बैंकिपल इंक्रीजेसली एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट पर ईयर तो लेट्स से प्रिंसिपल को पी ले लो या एक्स ले लो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल यानी डीपी बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं हम हमेशा डीपी बाय डी टी इक्वल टू कितना दे रखा है ये रेट ऑफ चेंज 5 और पांच परसेंट किसका

जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है जिसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें टी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत मानना पी और टी तो मेरे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं सी मेरा कांस्टेंट है तो सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं एन अमाउंट ऑफ रुपीज द बैंक तो हाउ मच इट विल बी वर्थ आफ्टर टेन ईयर्स अगर हम हजार रुपए डिपोजिट करें बैंक में तो दस साल बाद कितने होंगे तो हजार पे जब हम इनिशियली डिपॉजिट कर रहे हैं तो टाइम जीरो है वहां पे और प्रिंसिपल कितना है हजार और ये तो गिवन है एक तरीके से जब टी जीरो गीवन है ठीक है है ना इफ ये तो गिवन देन अब आपसे पूछा गया कि टी जब दस हो जाए दस साल के बाद तो प्रिंसिपल कितना होगा क्वेश्चन मार्क ये सवाल बन गया तो इस इंफॉर्मेशन को पुटअप करती सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा करो सो ये हो जाता है लॉग मॉड्यूल एसपी की वैल्यू थाउजेंड इक्वल टू टी की वैल्यू जीरो है तो जीरो ट्वेंटी कट गया प्लस सी ये कट गया तो सी की वैल्यू क्या गई लॉक थाउजेंड बोलो सी की वैल्यू लॉक थाउजेंड पहले आप उसमें देखो ये तो है जनरल जनरल फॉर्म इज सॉल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में सी की वैल्यू पुटअप करने से बन जाता है मेरा क्या पर्टिकुलर सोल्यूशन तो पर्टिकुलर सोल्यूशन कुछ ऐसे बनेगा कि लॉग मोडुलस पी इक्वल टू टी ऑन ट्वेंटी प्लस सी की वैल्यू लॉग थाउजेंड और लॉक लॉक को सॉल्व कर दू लॉग को इधर ले आऊं तो लॉक पी अपॉन थाउजेंड इक्वल टू टी अपॉन ट्वेंटी तो ये पी एस ए फी बन गया ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया वो तो आपका जनरल सॉल्यूशन था और सी के वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद ये हो गया आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन अब पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसने जो पूछा है वो पुटअप करो उसने क्या पूछा है कि दस साल के बाद पी कितना होगा तो ये वैल्यू अब इसमें पुटअप करो यानी टी की वैल्यू टेन पुटअप करो तो ये बन जाता है लॉक पी अपन थाउजेंड और टे टी की वैल्यू क्या बोट करनी है टेन टेन बाई ट्वेंटी हाफ और हाफ को क्या लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है देखो जीरो पॉइंट फाइव के फॉर्म में है ना उस उसपे नजर डालो जीरो मैंने हाफ को क्या लिख दिया जीरो पॉइंट फाइव सो लॉक पी अपॉन थाउजेंड की वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लॉक कट गया यहाँ पे पी बाय थाउजेंड रह गया और वहां पे वो ई e की पावर जीरो पॉइंट फाइव हो गया जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी कितनी वैल्यू गिवन है वन पॉइंट सिक्स फोर एट

इसने इधर ही एंटीलॉग ले, ले लिया ना जनरल सॉल्यूशन में उसको उसने नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया ना टू द पावर सी कॉन्स्टेंट पी की वैल्यू जीरो पी की वैल्यू थाउजेंड तो वहां से ई टू द पावर सी आ गया थाउजेंड ये ई टू द पावर सी पेन देना है ई टू द पावर सी ठीक है ई टू द पावर सी की वैल्यू क्या आ गई थाउजेंड इसको वापस इसी में पुटअप कर दिया तो पी इक्वल टू ई की पावर by... बाय यहाँ पे टी बाय ट्वेंटी आएगा यहाँ पे टी बाय ट्वेंटी आएगा तो ये हाफ हो जाएगा तो ऐसे किया इसने e की पावर टी बाई ट्वेंटी और ई e की पावर सी है अच्छा प्लस था e की पावर सी की वैल्यू डाल दी ना थाउजेंड देखो यहां पे ये ई e की पावर सी है और ई e की पावर सी की वैल्यू क्या है थाउजेंड अब ई e की पावर हाफ और ई e की पावर सी प्लस है लेकिन बीच में इस हिसाब से तो थाउजेंड प्लस होना चाहिए प्लस होना चाहिए तो वन पॉइंट में प्लस करेंगे इसने यही गलत किया है ना बेटा P इक्वल टू टी बाय ट्वेंटी प्लस सी करेंगे लॉग P इक्वल टू तो डू वन थिंग जब आप एंटी लॉग लोगे बोथ साइड्स तो P तो ऐसे लॉग अलग अलग थोड़ी ना होगा E की पावर टोटल जाएगा ना ऊपर T बाय ट्वेंटी प्लस सी विच इज इक्वल टू ई बाय बाई पावर टी बाय ट्वेंटी इन टू ई की पावर सी e तो यहाँ पे शुरू से इंटू है इन टू इन टू तो ये इसीलिए यहाँ पे इन टू है लॉक प्रॉपर्टी गलत ली है ना तो आंसर तो मैच हो गया क्योंकि ऊपर प्लस करके नीचे इन टू कर दिया ऐसा लग रहा है कहीं से रटके आए सोल्यूशन तो रटा रटा है पूरा तो याद रहा नहीं दो नंबर दे दो उसमें दो नंबर दे दो लो ठीक है जब अपन एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऐसा थोड़ा कि इस पे अलग लगेगा इस पे अलग पर सारे टर्म्स पे अलग 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 टर्म तो सब्सटीट्यूट होगा वो जितना भी एक्सप्रेशन है अगर सपोज करो मेरे पास समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग चार पांच एक्सप्रेशन है और मैं एंटी लॉग ले रहा हूं तो एंटी लॉग लेने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन ई की पावर में जाएगा ऐसे तो ना इसकी पावर अलग प्लस इसकी पावर अलग प्लस इसकी पावर अलग प्लस इसकी पावर अलग ये पूरा एक्सप्रेशन जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन e की पावर में चला जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन ये e की पावर में जाएगा तो e e की पावर ये फिर प्लस से तो मल्टीप्लाईड बाय e की पावर ये फिर प्लस से तो अगेन मल्टीप्लाईड बाय e की पावर ये और e की पावर ये ऐसे खुलेगा ठीक है क्लियर है अभी कोई डाउट नहीं है ठीक है सेकंड वाला किया था किसी ने भी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन हम्म नहीं किया था साक्षी करना चाहिए था ना यही तो क्वेश्चन था पूरे जो टेस्ट पेपर में सबसे अच्छा ये सबसे यूनिक टाइप का था सबसे डिफरेंट था इसी को नहीं करेंगे तो हम टेस्ट देने क्यों आए फिर क्या फायदा हमारा टेस्ट देने का एनसीआर क्वेश्चंस करने यहाँ बैठ के ए e की पावर एक्स माइनस ए e की पावर वाई बताओ बताओ क्या करेंगे क्या आ रहा है माइंड में कैसे इसको आगे प्रोसीड करें फर्दर स्कूल थोड़ी ना दोनों में से किसी का हम्म इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो की पावर एक्स माइनस वाई को e की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स और एक्स टू एक्स हो गया की पावर टू एक्स और माइनस वाई इज इट इज माइनस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर माइनस वाई पावर प्लस वाई तो कट गया केवल और केवल क्या रह जाएगा की एक पावर x और ये किसकी वैल्यू आ गई डी वाई डी आगे बताओ इधर क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बोलो अब सपोज करो बोर्ड में ये सवाल आ गया और कोई ऑप्शन नहीं है तो सोचो उस समय हमारी हालत कि इतना कैलकुलस किया इतना डिफरेंशियल इक्वेशन किया फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल तो सॉल्व नहीं हो रहा और जब ये सॉल्व नहीं होगा ना टाइप का सवाल सॉल्व नहीं होगा ना तो यकीन मानो जो सॉल्व होने वाली चीज है ना उस टाइम बोर्ड में वो भी नहीं होगी क्योंकि मोटिवेशन लेवल हो जाएगा डाउन कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा डाउन ऐसा इवन मेरे साथ हुआ है सबके साथ होता है तो कैसे हम इसको ओवरकम करें इस प्रॉब्लम को अब वो होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े में जो मेन कोर्स चल रहा है जैसा अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है मेन कोर्स चल रहा है इसका वेटेज होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट इसको समय देने का वेटेज हम हमारा समय किसको कितना दें और एक्स्ट्रा चीजों को ट्राई करने का समय और फीस दोनों सेवेंटी फाइव परसेंट होती है ऐसा ट्रेंड वहां पे फॉलो होता है मतलब दस हजार पे देके बच्चा कोर्स कर लेता है और फिर पचास हजार दे के वो एक्स्ट्रा ट्यूशन करने किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता है अपना समय और पैसा उस चीज को ज्यादा दे रहा है अपना समय और पैसा इस चीज को कम दे रहा है ये ट्रेंड है बड़े शहरों का और वही इसलिए फिर वहां से जो है बच्चे अच्छा स्कोर करके निकलते हैं जब वहां पे इंस्टीट्यूट्स हैं इसको किस चीज की प्रैक्टिस कराने के लिए अब कायदे से ये क्वेश्चन हमको कल के टेस्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए था ऐसे चैलेंज कि चाहे से मार्क्स नहीं मिले मुझे तीन नंबर पर मैं अटेम्प्ट तो इसी को करूंगी इसको छोड़ के और तीन नंबर प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में लेकर पंद्रह में से पंद्रह स्कोर करके अगर हम सोचे कि चलो भाई हो गया हमारा चैप्टर तो गलत था हमको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था क्योंकि हमको ऐसे मानना चाहिए था एग्जाम में थोड़ा कोई ऑप्शन मिलेगा हमको बताओ डेड एंड कुछ समझ नहीं आ रहा करो थोड़ा सा चेंजेस यहां पे की पावर एक्स माइनस वाई को सॉल्व करो पहले तो सो इट लाइक की पावर एक्स बाय e की पावर so like e वाई e सही कर रहा हूं और एक्स। अब आप पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करने की जगह केवल e की पावर एक्स तो उधर मल्टीप्लाई करो और e की पावर वाई उधर मल्टीप्लाई करो तो एक्सप्रेशन हो जाता है e की पावर y मल्टीप्लाईड बाय डी बाय डी एक्स इक्वल टू और इधर ई e की पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर एक्स पावर टू एक्स और की पावर एक्स इंटू की की कर रहे हैं? ठीक है अब आप देखो जो एल एच एस पोर्शन है ई e की पावर डी वाई बाय वो ई e की पावर वाई का डेरिवेटिव है क्या हम्म

विद टू एक्स इसलिए किया क्योंकि ये एक्सप्रेशन वहाँ कॉपी पेस्ट दिखाई दे रहा है ताकि सब्सिट्यूट हो जाए तो इसको अगर मैं सब्सिट्यूट कर दूं तो ये डीटी बाय डीएक्स आ गया एलएचएस पोर्शन में आरएचएस पोर्शन में चलो तो ई e की पावर टू को क्या लिखेंगे हम ई e की पावर टू लिखेंगे एक्स को तो सब्सिट्यूट करना ही नहीं वाई को ही तो करना है ओनली ठीक है इसको भी हम अलग अलग लिखें एक बार मतलब इसको हम ऐसे ना लिख ऐसे लिखें ई e की पावर एक्स ई e की पावर वाई तो ई e की पावर एक्स तो अगेन एज इट इज और e की पावर वाई को तो सब्सटीट्यूट किया आपने टी से डन अब ये डी टी बाई डी एक्स है और ये की पावर टू एक्स माइनस एक पावर एक्स इंटू टी है तो इसमें से जो एक्सप्रेशन मिक्स में उसको इधर ले आओ मिक्स में कौन सा ये वाला एक्सप्रेशन है इसको तो इधर ले आओ तो डी टी बाई टी एक्स एज इट इज और माइनस इधर आके प्लस की पावर एक्स इंटू टी और आर एच एस में पावर टू एक्स कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि जो यहाँ है वो यहाँ है और जो यहाँ है वो इन दोनों जगह p और q बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने y की फॉर्म में xy और x की फॉर्म में सीखी ये t और x की फॉर्म में ठीक है ठीके? और t और x की अगर ये फॉर्म में है तो कंपैरिजन करो क्या बनेगा dt/dx चलिए लिख दो dt/dx प्लस इक्वल टू क्यू से कंपैरिजन होगा वाई की जगह टू टी है बस ठीक है सो ऑन कंपैरिजन वी गेट पी की वैल्यू टी की पावर एक्स और क्यू की वैल्यू टी की पावर टू एक्स राइट तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ऊपर लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी वॉट की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स यही होता है पी की वैल्यू क्या है बोलो P की वैल्यू टू द पावर एक्स इंटीग्रल टू द पावर और इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स क्या होता है वो ई टू द पावर दस अब मुझे एक और चीज पे इ की पावर और इंटीग्रल ई टू द पावर भी दावर टू द पावर एक्स है तो ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स हो गया ये इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही रखेंगे या आगे और सॉल्व करके कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई जा सकते इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला टी टू द पावर टी एक्स कैसे पावर पे पावर प्रोडक्ट ऑफ पावर ये रूल लगा रहे हो आप तो जब पावर पे पावर लगता है जैसे एक ही पावर एम है तो उस पे पावर लगता है तो वो पूरे पे लगता है तो ये पूरे पे थोड़ी ना एक्स टू क्यूब की पावर फोर और टू क्यूब होल की पावर फोर दो अलग अलग एक्सप्रेशन ये अलग है और ये अलग है इस एक्सप्रेशन में आप कर सकते हो टू की पावर थ्री फोर या ट्वेल्व पर उसमें नहीं कर सकते तो अभी ये वाला है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा नो चेंज एट ऑल ठीक है क्लियर है मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ये और एक्स को क्योंकि ये पूरे की पावर नहीं है ओके okay, क्लियर है कि नहीं है क्लियर ये तीन को चार बार लिखना है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री और वो उसकी टू की पावर है तो ये टू की पावर थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री है कितना हो गया थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री क्या होता है एटी वन ये टू की पावर एटी वन है और उधर टू की पावर बारह कहा की पावर एटी वन कहाँ दो की पावर बारह उधर तो थ्री फोर या ट्वेल्व हो गया ना तो ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए है ना क्लियर कट चलो तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास नाउ द जनरल सॉल्यूशन जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन बोलो क्या लिखते हैं अपन वाई इंटूटी हाँ सही है वाई इंटू इंटूग्रे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो वाई की जगह तो टी है ना तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इकी e पावर इकी e पावर एक्स इक्वल टू क्यू क्यू क्या है इकी पावर टू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इकी e पावर एक्स e और इस पूरे का इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स

डी एक्स और इसका टोटल का इंटीग्रल अब बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है तीन बार है एक बार तो नीचे है दो बार नीचे एक बार पावर में इसी को ले लो टी इसी को ले लो टी ठीक है टी ले चुके हैं इस क्वेश्चन में तो फिर यू लेना पड़ेगा आ जाओ लेट u बी ई टू द पावर x. ठीक है तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा या डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी e to टू power x का डेरिवेटिव e टू द पावर x और x का dx. तो यहां से आप देखो ध्यान से e टू द पावर x इन टू डीएक्स करना है आपको इसमें डी यू में ठीक है तो ये था ये वाला पोर्शन ई टू द पावर एक्स dx ठीक है इसलिए इसको अलग अलग किया था ताकि एक तो डीएक्स से मल्टीप्लाई हो जाए और एक ई टू पावर एक्स बच गया उसको तो हम सिंपली क्या लेंगे यू एक टू द पावर एक्स डी एक्स को डी यू बनाएगा और e to टू पावर e x है तो ई टू e ई टू पावर एक्स को यू लिया है और ये डी यू अब आप लगाओ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो एक अकेला क्वेश्चन जिसने सारी एक्सरसाइजेस रिपीट करवा दी और क्या चाहिए पार्ट्स भी लगवा लिया सब्सटीट्यूशन भी करवा लिया लीनियर भी करवा लिया आगे बताओ कैसे इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे यहां से दिस वन। और सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। ठीक है चलो नेक्स्ट पेज पे आओ यहाँ का तो बढ़ गया क्या है नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखो एक बार क्या है पावर वाई डिलीट करना पड़ेगा सारा पावर यू जहाँ पे यू की वैल्यू क्या लेनी है अपने को इ टू द पावर एक्स बाकी टी को तो अपने यहाँ तक आते आते टी सब्सटीट्यूट कर ही दिया था यह ठीक है चलो नेक्स्ट पेज पे आऊ बोलो क्या एक्सप्रेशन है पावर वाई इंटू एक्सल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू टू द पावर x फाइनली जब हो जाए सारा सब कुछ चलो तो फर्स्ट फंक्शन जैसा किया दिस वन अल्चाब्रिक एंड सेकंड फंक्शन ठीक है आगे बढ़ो तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन e टू द पावर u का इंटीग्रल इ पावर यू होता है माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ़ फर्स्ट फंक्शन पावर यू ठीक है प्लस सी और इ टू द पावर यू कॉमन ले लू तो क्या बचता है अंदर यू माइनस वन प्लस सी और यू को डी सब्सिट्यूट कर देवर इक्स

तो जब ये c से डिवाइड होगा तो क्या बनेगा c इन टू टू की जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी तो e की पावर क्या है e की पावर x तो नेगेटिव e की पावर x हो जाएगा दिस इज योर फाइनल जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर पूछा है क्या फाइन उसके बाद नहीं योर फाइनल जनरल सोल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम ठीक है अब घर जाके जाकेश्चन में एक बार फिर से ट्राई करना देखें होता है कि नहीं होता कर दू रेस चले नेक्स्ट क्वेश्चन कितने बच गए अभी फिफ्थ वन अब फिफ्थ वन तो बहुत काफी सरल दिखाई दे रहा है फर्स्ट पार्ट किया कि सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट अटेम्प किया है. ये वाला डी वाई बाई को आइसोलेट किया या डी एक्स बाई को किया डी एक्स बाई बनेगा यहाँ पे क्यों कैसे पता चलता है देखो इसमें कहीं भी वाई अलग नहीं दिख रहा लेकिन एक्स अलग दिख रहा है

ओके ऑलरेडी इक्वल टू है ठीक है प्लस नहीं है यहां पे प्लस होता तो उल्टा होता तो डायरेक्ट अगर इक्वल टू है तो ऊपर वाला जो है एज इट इज रहेगा इनवर्स इनवर्स ठीक है y x. अब इसको अलग अलग तो कर दें तो पहली टर्म बन जाएगी टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर और माइनस दूसरी टर्म बन जाएगी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर अब इसमें से जो, जो

बोलो सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में हाँ पी वन लिखा था पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन सो पी वन तो हो जाता है हमारा ये फंक्शन ऑफ वाई और क्यू वन हो जाता है ये अगेन फंक्शन ऑफ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रल पी डी वाई पी सॉरी e की पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू क्या है वन डिवाइडेड बाय जनरल सोल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं पर्टिकुलर ओनली ही पूछा है, पूछा है? कैसे लिखते हैं अपन वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकिन अभी क्या लिखेंगे टाइप टू वाली है तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगाया हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आगे क्यू क्यू वन क्या है बोरा पावर टेन इन एंड एक्सप्रेशन होल एज एल मल्टीप्लाइडी अभी आर एच एस में जो पोर्सन है इसमें क्या सब्सटी करूं टेन इनवर्स वाई को ले लू मैं टी बताओ तो अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स वाई को टी ले लू लेट टेन वाई बी टी तो टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विदेक्ट टू वाई क्या बनेगा डी वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी तो यहां से ये डी वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर ये तो ले लो आप डी टी ठीक है तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन इट विल बी लाइक इधर तो सेम वही एक्स इन टू ई की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू Whole integration of. 10 inverse y को लिया है आपने तो टी इंटू की अगेन टेनवर्स को टी लिया है आपने, टी और डी वाई बाय प्लस हो गया डी टी तो अगेन ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला पोर्शन बन गया है यहां पर और याद करो अभी अभी, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन था क्या बस वहां पे यू इंटू की पावर यू था अभी क्या है टी इंटूटी पावर टी तो जब यू इंटू की पावर यू था तो आंसर आया था यू ई की पावर यू मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस वन याद है तो इधर क्या आएगा बताओ ए e की पावर टी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस वन सीधे डायरेक्ट लिख दू प्लस सी और इधर क्या था x इन टू e की पावर टेन इनवर्स y तो चलो अब t को डी सब्सटीट्यूट करो इट इज लाइक x इन टू e की पावर टेन इनवर्स y t की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स y मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू अगेन टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी

कितने मार्क्स दिए e की पावर टेन इनवर्स वाई कॉमन टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी नहीं लिखा है ना क्या कितना लिखे टू वन बाय फोर टू वन बाय फोर एगेन थ्री बाय फोर मार्क्स काटे ऐसा क्यों थ्री बाय फोर किस लॉजिक से काटे बस प्लस सी वाला पोर्शन ही मिसिंग है ना बाकी तो ऊपर किया है सारा दिखाओ एक बार ऊपर वाला पोर्शन क्लियर है क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का D, ये भी किया है अच्छा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनाई नहीं इसने तो फिर वन बाय फोर भी क्यों दे रहे हो दो मार्क्स ही दो ठीक है चले नेक्स्ट कर ओके लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था किसी ने अटेम्प्ट बोलो नो वन घर जाके भी नहीं अब इसमें सबसे पहले हालांकि ये एग्जाम मेटेरियल मतलब एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन नहीं है अगर ऑप्शन है तो क्यों कोई तो बता सकता है क्यों इसलिए नहीं कि इसका सोल्यूशन डिफिकल्ट होगा या क्या साफ साफ की वन बने की थोड़ा लेंदी है इसमें पहले शो करना है कि ये लीनियर डिफरेंस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है शो करने के लिए हमने क्या तरीके चूज किया था आपको याद है लेमडा वाला अगर आगे होके उसने शो करने के लिए कहा है तो आपको लेमडा वाला तरीका यूज करके ही शो करना है चलो तो सब तो सबसे पहले इसमें से आप चेक करो एक्स बाई वाई टाइप की होमोजीनस बने बाई एक्स क्योंकि पावर तो एक्स बाई है तो वाई को आइसोलेट करो स्ट्रेट देखते हैं क्या होता है डीएक्स बाई डी क्या बनता है यहाँ से अब तो यहाँ पे प्लस है तो जो डीवाई से मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्लिप हो जाएगा टू एक्स इंटू की पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई और जो से मल्टीप्लाई हो रहा है आगे अलग अलग डिवाइड करवाऊ उसको तो जब मैं इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कराऊंगा तो क्या क्या कटेगा टू टू ये तो पावर एक्स तो केवल एक एक्स बाई वाई बचेगा ओनली एक्स बाई वाई बचेगा माइनस जब इसको डिवाइड कराऊंगा तो वाई से वाई कटेगा तो क्या बचेगा वन बाई टू वन डिवाइडेड बाई टू इन टू नीचे में ई की पावर एक्स वाई वाई क्लियर अब वैसे तो ये क्लियर कट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई दिखाई दे तो रहा है दे रहा है ना तो अगर आपको एमसीक्यू में चेक करना हो तो आप यहां से देख सकते हो बट अगर तो फंक्शन मानना, मानना, मानना है तो ये फंक्शन हो गया मेरा एफ ऑफ उल्टे टाइप का फंक्शन है वाई कोमा जी एक्स वाला एक्सकोमा वाई वाला नहीं है इक्वल टू क्या निकाला हमने इसको क्या लिखा हमने इसको एक्स वाई वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय टू

अगेन ये फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स आ गया और लेमडा की पावर जीरो कॉमन आ गई बाहर और वही फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बन गई तो जब फंक्शन ऑफ लेमडा वाईकोमा लेमडा ऐसे लिखा जा सकता है तो इससे क्या साबित होता है इससे साबित होता है कि जो फंक्शन ऑफ वाईकोमा एक्स है वो होमोजीनस फंक्शन है वो होमोजीनस फंक्शन कौन सी डिग्री का है डिग्री जीरो होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो और जब जब वो आर एच एस पार्ट होमोजीनस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो है तो फिर हमसे प्रूव ये हो जाएगा कि गिवन डी ई इज ए होमोजिनस डीवन डीई इज होमोजीनस डी तो ये थोड़ा सा पांच मिनट का काम एक्स्ट्रा इसमें करना ही पड़ेगा अगर आगे को कहता है तो इसी पैटर्न से अपन इसको प्रूव करेंगे देर इज नो अदर वे आउट अब बात करते हैं है तो क्या करें हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करें तो वही v एज़्यूम करना सो लेट्स से इस फंक्शन में मैं अगर इसको v से डी सब्स्टिट्यूट करूं ऊपर आ जाऊं या नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं इधर कर लेते हैं थोड़ा सा फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे ठीक है तो ये हो जाएगा dx dy to, dx dy to, v से इसको सब्स्टिट्यूट करें तो v 1 टू की पावर वी सही है क्या ठीक है और जब आपने को लिया है तो एक्स की वैल्यू वी, वी वाई से क्या बनेगा वाई टू वैसे क्या बनता था v प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स अभी क्या बनेगा वी प्लस वाई dy बाई डी वाई डीवाई पहले dx बाई डी वाई बनता था अभी dv बाई dv by dx बनता था अभी dv by dy बन गया, ठीक है? तो ये भी dx by dy की वैल्यू है और ये भी dx by dy की वैल्यू, कंपेयर करेंगे हम दोनों को, कंपेयर करके इसको स्क्वेयर एचस्क्वार एचस्क्वेयर में लिख दें, तो इट विल बी लाइक v plus y dv by dy equal to v minus one divided by two इकी पावर b, सही है? v से b उड़ाओ और कर दो वेरिएबल सेपरेट ऑन बोथ साइड्स तो ये e e की की डिवाइडेड पावर v जब dv से इधर मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर चली जाएगी e की पावर v इन टू तो इधर आ गया और माइनस वन बाई टू तो कांस्टेंट बाहर रहेगा ही रहेगा और वाई बाय डी वाई इधर आके क्या बन गया डी वाई बाय वाई सही है क्या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद विदेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स तो इधर आ जाओ इस पोर्शन में आ जाओ पर्टिकुलर भी पूछा है क्या फिर इसमें चलो तो ई की पावर वी का डेरीवेटिव इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू वी पावर वी रहेगा ठीक है इक्वल टू माइनस हाफ लॉग वाई हो गया लॉग मॉडुलस वाई प्लस सी तो वी को डी सब्सटीट्यूट करो वी क्या लिया था वाई इक्वल टू माइनस हाफ लॉग मॉडुलस वाई प्लस सी तो ये जनरल सॉल्यूशन तक तो आ गए चलो वैल्यूज के डालनी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वैल्यूज है जीरो कोमा वन करो तो e की पावर x बाय वाई यानी जीरो बाई वन यानी जीरो सही किया क्या जीरो बाई वन ठीक है माइनस हाफ लॉक y की वैल्यू अगेन वन जो कि जीरो बना देगी इसको c तो माइनस हाफ लॉक वन तो जीरो बन गया और ये वन बन गया तो c की वैल्यू क्या आ गई वन c की वैल्यू वन को ऊपर डी सब्सिट्यूट करो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर c की वैल्यू आ गई वन इसको कर दो इसकी जगह वन लगा दूं एंड दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन e की पावर एक्स बाय वाई क्वल टू माइनस हाफ लॉक मॉड्यूलस ऊपर लिख देता हूँ फ्रेश पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस हाफ लॉक मॉड्यूलस वाई और सी की वैल्यू वन है तो प्लस वन दिसम्स योर फाइनल सॉल्यूशन फॉर द की वन डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो गया पूरा चैप्टर किया था किसी ने अटेम्प्ट अटैम्प्टे वन no चलो जी अब अभी मेरे पास और भी क्यूशन्स हैं बहुत सारे हैं। अब इससे तो डील करो ठीक है पहले तो अप्रोच पॉजिटिव दिखनी चाहिए आपकी कि हाँ अब आप, आपके अंदर भूख है एक्स्ट्रा क्यूशंस एक्स्ट्रा चीजें करने की तो तो मैं दूंगा ठीक है बाकी नहीं तो मैं मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उन क्यूशन को ढूंढने में, में मेरी भी मेहनत लगी है तो उनको ऐसे ही किसी बच्चे के हाथ में देंगे जो उसकी वैल्यू करता हो अब इसमें बहुत सारे एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कदर ही नहीं की गई जाके देखा भी नहीं गया तो पहले आपकी अप्रोच पॉजिटिव करो तो फिर आपको बहुत सारी क्वेश्चन हैं जो दिए जाएंगे हो गया मेरी तरफ से चैप्टर ठीक है कर दू इसी में वो तो हो गया था बेटा उसी वीडियो में सॉल्व कौन सी दुनिया में रहते हो गो एंड चेक the video. ठीक है सर्किल वाला क्वेश्चन था एक तो उसको उसको तो, तो, तो अपन ने वीडियो में सॉल्व कर दिया था आप एक बार चेक करो ठीक है ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अ नाइस डे कीप लर्निंग बाय